एशिया कप में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव भी जगह नहीं बना पाए हैं, लेकिन वो अब घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आ सकते हैं। बता दें कि उमेश यादव विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में विदर्भ टीम से खेल सकते हैं। वह इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में खेले थे। 30 वर्षीय उमेश को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें एशिया कप के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। माना जा रहा है कि वह 4 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले विदर्भ के लिए खेल सकते हैं। उमेश गत जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ 2 वनडे खेले थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल वनडे सीरीज में भी वह टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। विजय हजारे ट्रॉफी चयनकर्ताओं के सामने खुद की फॉर्म साबित करने का उमेश के पास एक बेहतरीन मौका माना जा रहा है। इस साल आईपीएल के 11वें सीजन में उमेश रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेले थे और काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।